शायद बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे पहले एक दफ़ा सिलसिला शुरू हुआ था अंग्रेज़ी तर्जुमे कुरान का, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं ये आवाज़ आ रही है इसकी नहीं ठीक है। अच्छा मैं बयान कर रहा था कि आज अल्लाह ताला के फजल से दूसरे बड़े स्टूडियो का इफ्तिताह है और खुदा के फजल से बहुत बेहतर गुंजाइश के लिहाज से भी बहुत अच्छा और सजा हुआ जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह। इसमें कई इम्कानात हैं, कई तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो हमारी ख़वातीन हैं इस तर्जुमा क्लास में शामिल होने वाली, वो खड़ी रहेंगी या उनको बैठने की जगह कोई बना के देनी है? इसलिए खड़ा रखा हुआ जिन बेचारियों ने मेहनत करके सजाया उनके लिए कुर्सी कोई नहीं और मर्दों ने कुर्सी पे कब्जा किया हुआ है। मेरा ख्याल आप कुर्बानी करें अपनी कुर्सियों की, ले जाएं वहाँ कुर्सियाँ पीछे पीछे कर दें। आज के इस स्टूडियो का इफ्तिताह कुरान करीम की तर्जमे की क्लास से होगा इंशाल्लाह। इससे पहले अंग्रेज़ी तर्जमे कुरान की क्लासेस का इजरा हुआ था जो दूसरी मसरूफियात की वजह से बीच में बंद करना पड़ा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि आइंदा मुस्तकिलन हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा कुरान करीम की क्लास लगाई जाए, और अगर दो दफ़ा हो जाए तो एक दफ़ा अंग्रेज़ी बच्चों के लिए, अंग्रेज़ी दान लोगों के लिए और बच्चों के लिए, और एक दफ़ा उर्दू दानों के लिए। तरीक़ेकार ये है कि कुरान करीम का तर्जमा आम सादा लफ्ज़ों में मुहावरतन भी बयान किया जाएगा और लफ्जन लफ्जन भी तर्जमा बताया जाएगा, और इस दौरान कोशिश की जाएगी कि कुछ कुछ अरबी ग्रामर की शुद्ध बुद्ध हो जाए, और अलग ग्रामर पढ़ाने की बजाय साथ साथ चंद एक ज़रूरी निकात ग्रामर किस तरह बयान किए जाएँ कि बच्चों और उन बड़ों के भी जिनको कुरान करीम की वाकफियत नहीं, अरबी ग्रामर से भी कुछ शनासाई होती जाए, क्योंकि अरबी ग्रामर के बगैर हकीकत में बस तर्जुमा पढ़ना काफ़ी मुश्किल है। और अगर इंसान तर्जुमा जितनी चाहे बार पढ़े, जितनी बार चाहे पढ़े, अरबी से नावाफियत हो यानी ग्रामर से नावाफियत हो, तो बरह रास्त कुरान करीम से इस्तेफादा नहीं कर सकता। जैसा कि हम आगे बढ़ेंगे मालूम महसूस कर लें कि अरबी ग्रामर का इल्म ज़रूरी है, मगर जैसा कि मैंने बयान किया अलग अरबी क्लास अगर ग्रामर की लगाई जाए तो अव्वल तो बहुत से लोगों के लिए मुश्किल अमर होगा, दूसरे हमारे पास वक्त भी इतना नहीं कि इंतज़ार करें पहले ग्रामर पढ़ाएं फिर तर्जुमा पढ़ाएं, तो साथ साथ दोनों चीज़ें एक दूसरे की मददगार बनकर आगे बढ़ेंगी। मेरा भी ख्याल था वो जो हमारे बंगाली तलावत करने वाले हैं उनकी आवाज़ में अगर तलावत होती तो बहुत अच्छा आवाज़ होता, मगर अब मैं खुद करता हूँ। फिर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। अल्लाह के नाम के साथ जो बे इंतहा रहम करने वाला और बिन मांगे देने वाला है,
और बार बार रहम फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला जो बामाना लफ्ज़ है वो एक हर्फ है जो सिर्फ बे है। बे अरबी में मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होता है, मगर साथ और मदद के मानी में, उसकी मदद से, उसकी बरकत से, उसकी माइयत में, उसके साथ, इन मानों में यहाँ इस्तेमाल हुआ है। इस्म का मतलब है नाम, और अल्लाह सब जानते हैं, तो ये नहीं फरमाया कि बिल्लाह है, बल्कि फरमाया बिस्मिल्लाह है। लफ्ज़ इस्म का अलिफ ऐसा है जो मौसूला कहलाता है, गिर जाता है, और इस वजह से बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जाता बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है। अगर महज बिल्लाह कहा जाता तो इसमें दो कबाहतें थीं। एक ये कि कई होंगी, लेकिन दो जो जहन में मेरे इस वक्त हाजिर हैं वो ये हैं कि बे और ते और वाओ, ये तीन ऐसे हरूफ हैं कि अल्लाह के साथ आएँ और बाद में अल्लाह के आखिरी हरफ पर जर हो, तो ये कसम की इलामत बन जाती हैं। तो बिल्लाह का मतलब ये नहीं होगा कि अल्लाह के साथ, बल्कि अल्लाह की कसम, और यहाँ अल्लाह की कसम खाना मकसूद नहीं है। दूसरे, अल्लाह का वजूद अभी पूरी तरह मुतारफ नहीं हुआ, और अल्लाह का मज़मून बहुत फसीह है। कुरान करीम जूं जूं आगे बढ़ता है, अल्लाह ताला का तारुफ करवाता चला जाता है, और अल्लाह का नाम मुतारफ है, सब दुनिया जानती है। बस ये नाम जो भी है, जिस चीज़ का भी है, उसकी तमाम सिफात को लफ्ज़ इस्म हावी हो जाता है। तो मुराद ये है कि उस अल्लाह के नाम के साथ जो एक ही और वाहिद अल्लाह है, उसके नाम की बरकत के साथ, उसका नाम लेकर, और एक माना है उसकी इजाज़त के साथ। तो बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, उसकी दो सिफात नुमाया तौर पर बयान फरमाई गई। एक ये कि सबसे ज़्यादा रहम करने वाला और बिन मांगे देने वाला, क्योंकि इंसान का वजूद भी बिन मांगे आया है और सारी कायनात का वजूद भी बिन मांगे आया है, इसलिए आगाज़ के हवाले से शुरू करना बहुत ही प्यारा कलाम है। और रहमान का मतलब बे इंतहा रहम करने वाला भी है, और बिन मांगे देने वाला का ताल्लुक रहमान बे इंतहा रहम करने के वाले के साथ एक लाजिम लज़ूम का ताल्लुक है। जो रहम में बे इंतहा ना हो, बिन मांगे नहीं दिया करता। और रहीम का मतलब है बहुत रहम करने वाला और बार बार रहम करने वाला। तो रहमानियत जहाँ आगाज़ करती है कायनात का, तख्लीक का और इंसान का, वहाँ उसके साथ रहीमियत ये यकीन दिलाती है कि किसी ऐसे रहमान खुदा के ताल्लुक में बात नहीं हो रही जो एक दफ़ा रहम करके भूल चुका हो या छोड़ बैठा हो, बल्कि ऐसा रहमान है जो हमेशा साथ देने वाला, हमेशा साथ रहने वाला है। तो इससे बेहतर अल्लाह का तारुफ और लफ्ज़ों में मुमकिन नहीं है। और अल्लाह ताला की शान है कि कुरान करीम में हर दफ़ा बिस्मिल्लाह के साथ सूरतों का आगाज़ हुआ है, सिवाय एक सूरत के, उसकी हिकमत अलग है जो बाद में होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी है। लेकिन साथ क्या, इस बात को जिक्र नहीं फरमाया गया। और अमूमन तर्जुमों में आप ये पढ़ते होंगे कि शुरू करता हूँ लिख दिया जाता है। मैंने जो कुरान करीम का तर्जुमा शुरू किया है उसमें अमदन इस लफ्ज़ को छोड़ दिया है और ये बयान किया है अल्लाह के नाम के साथ जो बेहद रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। इसलिए छोड़ दिया है कि बहुत से मजामीन फिर नज़र से रह जाएंगे। अगर हम ये तर्जमा करें कि अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ या हम शुरू करते हैं, तो महज शुरू के साथ जो अल्लाह के नाम की बरकत है वहीं तक महदूद दिखाई देगी। हालांकि बे में इजाज़त भी शामिल है।
और लाम उतना ही और बरकात हैं जो इसमें दाखिल हैं, सिर्फ पढ़ने के साथ नहीं बल्कि अमल करने में भी तो अल्लाह के नाम की ज़रूरत है और तौफीक पाने में भी अल्लाह के नाम की ज़रूरत है, और उसकी इजाज़त के बगैर कोई बात शुरू भी नहीं हो सकती। बस इस हरफ को जो एक लफ्ज़ के मानी और बेहद गहरे और वसी लफ्ज़ के मानी रखता है, इसी तरह खुला रखना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन तर्जमे के वक्त आपका फ़र्ज़ है कि समझ जाएं, ताकि जब भी पढ़ें तो बे को मौका और महल के हवाले से उसके माने जहन में पहना दिया करें। अल्लाह के नाम के साथ जब खाना खाते हैं तो कहते हैं बिस्मिल्लाह, और आज मैं अल्लाह के नाम के साथ खाना खाता हूँ। एक मेहमान आपके घर आता है, आप कहते हैं बिस्मिल्लाह कि अल्लाह के नाम के साथ दाखिल हो, अल्लाह के नाम के साथ मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूँगा। तो इसके मानी अगर मुय्यन ना किए जाएँ तो इंतहाई वसी हैं और ज़िंदगी के हर शोबे पर हावी हो जाते हैं। दूसरी आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि बिस्मिल्लाह को बाद लोग कुरान करीम का हिस्सा नहीं समझते बल्कि हर सूरत का ऐसा उन्वान समझते हैं जिसका आयात में शुमार नहीं होना चाहिए। इसलिए वो जो इसको बिस्मिल्लाह को हर सूरत का एक जुज़ समझते हैं वो पहली आयत के तौर पर बिस्मिल्लाह को शुमार करते हैं, और जमात अहमदिया उन्हीं में से है। और वो लोग जो बिस्मिल्लाह को अलग रखते हैं उनकी कुछ वजूहात भी हों, एक काबिले एतराज़ बात ये दिखाई देती है कि कुरान के अंदर बकसरत ऐसी आयात मिलेंगी यानी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जो गोया कुरान का जुज़ नहीं है, और ये दुरुस्त नहीं है। हालांकि बे से लेकर नास की सीन तक हर चीज़ जो कुरान के अंदर है वो कुरान का हिस्सा है। बस जमात अहमदिया इस मसले पर कायम है, इसीलिए कुरान करीम में जो जमात अहमदिया की तरफ से शाया किया जाए बिस्मिल्लाह को नंबर एक दिया जाता है। तो दूसरी आयत सूरह फातिहा की यह है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल का लफ्ज कुरान में बार बार आएगा और हम्द के माने समझाने के लिए अल के लफ्ज की तशरीह ज़रूरी है। अंग्रेजी में इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, यानी दी या दा, दोनों तलफ़ अलग अलग मौक़ों पर इस्तेमाल होते हैं, मगर अल में लफ्ज़ दी के माने पाए जाते हैं और उससे ज़्यादा। अल के अंदर जो जो मानी पाए जाते हैं उस हवाले से हम्द के माने वही बनते चले जाएंगे। अल का एक मतलब है वो ख़ास चीज़ जिसका मज़कूर हो चुका है, जो जहनों में हाजिर है। तो वो हम्द जिसका तुम्हारे जहनों में तसव्वुर है, जो भी है वो अल्लाह के लिए है, हकीकत में खुदा ही की है। अल का एक मतलब है कामिल और हकीकी और सच्ची। तो अलहम्द का मतलब इन मानों में ये बनेगा कि सच्ची और कामिल और यकीनी और हकीकी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। अल का एक माना है सब वो चीज़ें जो इस लफ्ज़ में मज़कूर हैं, जितने भी मानी हैं वो सारे दाखिल हों तो लफ्ज़ अल इस्तेमाल किया जाता है। कि जामे माने जामियत और मानियत देता है, जो कुछ भी हम से वाबस्ता हो सकता है वो तमाम तर अल्लाह ही के लिए है। तो सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जब आप पढ़ते हैं, और सच्ची तारीफ़ या हकीकी तारीफ़ अल्लाह ही की है तो इनमें इख्तलाफ़ नहीं है, बल्कि तर्जमा करने वाला मजबूर है कि बहुत से मानी में से एक को अख़्ज़ कर ले, और कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसा माना अख़्ज़ किया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा हावी हो, या एक दो और भी इजाफे भी कर दिए जाएं कभी तर्जमे में तो हरज नहीं है। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं जिनको वाकफियत नहीं है, जो तर्जमे पढ़ते हैं उनको मैं समझा रहा हूँ कि कोई इख्तलाफ नहीं है। अल के वसी मानी में से बाज एक को ज़्यादा पसंद करके तरजीह दे देते हैं, बाज दूसरे को तरजीह दे देते हैं, और तर्जमे की ये मजबूरी है, तफसीर तो नहीं है। बहरहाल तर्जमा करने वाले को अल्फाज में महदूद होना पड़ता है, इसलिए मैंने इसका यह तर्जमा किया सब सच्ची तारीफ़ें अल्लाह ही की हैं। सब भी और सच्ची के दो माने दाखिल कर दिए हैं, और मेरे नज़दीक ये दोनों लफ्ज़ मिलके जामे माने बन जाते हैं।
और हर पहलू पर हावी हो जाते हैं, हर गलत पहलू को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तमाम तर कहना भी दुरुस्त है और सब सच्ची तारीफें कहना भी दुरुस्त है। तो सब सच्ची तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। यहाँ भी ले का लफ्ज़, हम्द का मतलब है तारीफ, जैसा कि मैंने बयान किया है। ले का मतलब है लिए, लिल्लाह अल्लाह के लिए। सब सच्ची तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। इससे पहले आपने दो सिफात का जिक्र पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक और सिफ्त का बयान हुआ है जिस जो है रब्बिल आलमीन। अल आलमीन का मतलब है तमाम जहान। यहाँ भी वही लफ्ज़ अल दाखिल है और यहाँ सच्चा हकीकी गैर हकीकी का बहस नहीं है। तमाम वो कायनात जिसका तसव्वुर लफ्ज़ आलम में पाया जाता है और हर किस्म के ऐसे तसव्वुरात जो आलम की कोई सूरत अपने जहन में रखते हैं, उन सब पर लफ्ज़ आलमीन का इतलाक अल की वजह से हो जाता है। तो अल आलमीन से मुराद तमाम जहान जैसे भी मुमकिन है, लेकिन कुरान करीम में बाज़ जगह आलमीन का लफ्ज़ मखसूस आलमीन के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और वहाँ लफ्ज़ अल वो माने देता है। जैसा कि हज़रत मरियम की फजीलत का जिक्र है, जैसा कि बनी इसराइल की फजीलत का जिक्र है, वहाँ ये मुराद नहीं है कि तमाम जहान जो पहले थे या बाद में होंगे, उन जहानों में जिनमें हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं, आपकी अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल हैं, उन सब पर गोया हज़रत मरियम और दीगर को फजीलत हो गई, ये मुराद नहीं है। वहाँ अल आलमीन से मुराद वो आलम है जो उस ज़माने में मालूम और मरूफ थे। बस हवाला अल ने एक ऐसे तसव्वुर को दिया जो पहले से हमारे जहन में मौजूद है कि बनी इसराइल के वक्त में एक मारूफ आलम था और वो आलम उस आलम से महदूद था जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़ाहिर हुआ और वसत अख्तियार करके कुल आलमीन पे फैल गया। बस नस्बती ईमानों के लिए भी अलिफ लाम काम देता है और मौका महल के मुताबिक आपको अगर अलिफ लाम का हकीकत समझ लें तो माने समझना कुछ मुश्किल नहीं रहेगा। अल का माना जहन में मौजूद कोई ख़ास माना भी है और आलमीन का लफ्ज़ कुरान करीम में बाज़ दफ़ा इसी हवाले से बयान किया गया है। यहाँ है कुल्लतन, ज़्यादा से ज़्यादा जितने माने लफ्ज़ अल दे सकता है वो हम्द में पाए जाते हैं, अल्लाह की हम्द में। और दूसरी सिफत क्या बयान फरमाई, रब्बिल आलमीन, वो तमाम जहानों का रब है, यानी उन सब जहानों का जो थे या हैं या होंगे या जितनी भी उनकी किस्में हैं, ज़िंदगी के जहान हों या मौत के जहान हों, हर किस्म के जहान इस लफ्ज़ आलमीन में शामिल हुए और उनका रब है। अब रब का क्या मतलब है, हम जब कहते हैं रब तो मुराद अल्लाह सिर्फ लेते हैं, हालांकि अल्लाह और रब बाज़ अपने अपने माने रखते हैं। अल्लाह अल्लाह ताला का इस्म ज़ात है, वो नाम है जो खुदा ताला का ज़ाती नाम है। इसकी तशरीह की भी कोशिश की गई है मगर ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहिए, तर्जुमा हो रहा है इसको, मगर ये समझ लें कि अल्लाह का नाम है। आगे उसका तारुफ हो रहा है, वो रब है। रब का माना समझना ज़रूरी है क्योंकि सूरह फातिहा सारे कुरान की कुंजी है। यहाँ कुछ ज़रा ठहर ठहर के माने बयान हों तो आइंदा कुरान करीम को समझने में आपको सहूलत हो जाएगी। रब का मतलब है तरबियत देने वाला, पालने वाला, रिज़्क़ अता करने वाला, अदना हालत से संभाल कर आइंदा आला हालतों की तरफ तरक्की देने वाला। जब अरबों के मुतल्लिक कहा जाता है वह मुहावरे में कि रब्बल फ़ुलूवा, तो मुराद है उसने घोड़े के बच्चे की उस वक्त परवरिश शुरू की जब वो अभी पैदा ही हुआ था और परवरिश देते देते उसको परवान चढ़ाकर घोड़े की काबिल घोड़े की उम्र तक पहुंचा दिया। तो हर वो शख्स
जो खुदा की रुबूबियत की सिफत से हिस्सा लेता है उसे मालूम करना चाहिए कि उसके ताल्लुक में जो भी चीज़ आए वो फिर संवरती चली जाए, तब वो सिफत रुबूबियत का हिस्सेदार बनता है, वरना नहीं। अगर एक शख्स किसी चीज़ पे काबिज़ होता है, उसकी दो ही हालतें करता है, या तो बद से बदतर होती चली जाती है, या अच्छी से अच्छी होती चली जाती है, या महलों के खंडरात बन जाते हैं, या महलों पर और महल्लात के इजाफे होते हैं, और मंजिलें बनती हैं, और जहान कुशादा होता चला जाता है। तमाम दुनिया के इंतजाम का यही हाल है। अच्छा मुंतजिम थोड़ी चीज़ से बात शुरू करके उसे तरक्की देता देता बुलंदी की तरफ भी ले जाता है, उसको फैलाता भी चला जाता है। रब में ये सारे माने पाए जाते हैं। तो रब्बिल आलमीन का मतलब है जितने भी जहान मुतसव्वुर हो सकते हैं उन सब का अल्लाह ताला की रुबूबियत से एक लाजमी ताल्लुक़ है। किसी जहान को भी खुदा ने अपनी हालत पर खड़ा नहीं रखा, बल्कि अल्लाह के ताल्लुक़ से और उसकी दो सिफात से जो पहले बयान हुए हैं, यानी रहमानियत और रहीमियत, उनके जलवा दिखाने के नतीजे में रुबूबियत ने हर चीज़ को तरक्की दी है और सारे जहान जितने भी हैं तरक्की पजीर हैं। फिर फरमाया अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान भी है और रहीम भी है। इसके मुतल्लिक बहुत से अहमदी सवाल करते रहते हैं और मैं पहले जवाब दे चुका हूँ, मगर यहाँ तर्जमे के तौर पर सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि पहले जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है उसका ताल्लुक तमाम कायनात के आगाज़ और इंसान के आगाज़, हर चीज़ के आगाज़ से है। रहमानियत के नतीजे में बिन मांगे देने वाला तख्लीक करने लगा और उन चीज़ों की तख्लीक उसने मुकम्मल की जो चीज़ें मांगने की अहलियत ही नहीं रखती थी, उनको वजूद की खलक बख्शी, फिर उनको तरक्की, रबूबियत ने उनको तरक्की दी। तरक्की देकर कहाँ तक पहुँचाया, उस मकाम पर पहुँचा दिया जहाँ एक और जहान उसके लिए रोशन हो गया, जिसे खल्क़े आखिर कहा जाता है, और वो जहान है क़ुरान का जहान, मज़हब का जहान, अल्लाह से ताल्लुक़ का जहान। तो आलमीन के एक नए माने वजूद में आए और उन नए मानों के लिहाज से रहमानियत और रहीमियत का तकरार ज़रूरी हो गई। चुनांचे क़ुरान करीम ने ये नहीं फरमाया अल अलीमो और अल आलिमो अल्लमल क़ुरान, बल्कि फरमाया अर रहमान अल्लमल क़ुरान। ये रहमान खुदा है जिसने कुरान सिखाया है, यानी कोई मांगने वाला नहीं था, एक नया जहान इंसान के लिए रोशन फरमा दिया जो रूहानी तख्लीक का जहान है, और उसका भी वही रहमान खुदा है जो आम कायनात का रहमान खुदा है। मगर यहाँ ताल्लुक सिर्फ उन बंदों से हो जाएगा जो खुदा के पर ईमान रखते हैं, उसके कलाम से रोशनी पाते हैं, उसकी हदायत पर अमल करने की कोशिश करते हैं। बस वो मज़मून जो तख्लीक कायनात से शुरू हुआ था अब रूहानी तख्लीक के मैदान में या जहान में दाखिल हो जाता है और आगे उसी के साथ ताल्लुक़ है। बस दूसरा रहमान और दूसरा रहीम हमें बताता है कि रहमान खुदा ने इंसान की रूहानी तरक्यात के लिए भी एक जहान नौ पैदा कर दिया है, और वो रहीम भी है, वो छोड़ेगा नहीं, मुसलसल हदायत के सामान करता रहेगा। आदम के वक्त उसकी रहमानियत ने जो जलवा दिखाया था वो वहाँ ख़त्म नहीं होगा, बल्कि बेहतर से बेहतर जलवे ज़ाहिर होते जाएंगे, और रुबूबियत की यही शान है कि हर जलवा पहले से बढ़कर शान में हो। और वो जो जलवे हैं वो उनमें खुदा ताला हर वक्त ज़रूरत का ख्याल रखते हुए जब ज़रूरत पड़ेगी रहीमियत के ताबे रूहानी मसाइल के हल पेश फरमाता चला जाएगा। मालिक यौमिद्दीन, अर्रहमान अर्रहीम के माने तो आप समझ चुके हैं, ये मैं बताना भूल गया था कि लफ्ज़ रहम से इनका ताल्लुक़ है। रहम में मादर का भी इसी मादे से ताल्लुक़ है, रहम का भी इसी मादे से ताल्लुक़ है। रहम के लफ्ज़ की जितनी शक्लें हैं उन सब का रहमानियत और रहीमियत से ताल्लुक़ है। फरमाता है मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है दीन के दिन का। दीन का दिन ये क्या चीज़ है, इसके बहुत से मानी किए जाते हैं, लेकिन तर्जमे के लिहाज से नस्बतन मुख्तसर मैं आपके सामने रखता हूँ।
एक तर्जमा तो खुदा ताला ने खुद फरमाया, कुरान करीम ही में बयान फरमाया, वह मा अदरा का मा यौमुद्दीन यौम लातम लिकुल नफ्सुल नफ्सिन शया वल अम्रु यौम इज़िल्लाह। तुम्हें क्या चीज़ समझाए कि दीन क्या होता है? दीन उस वक्त का नाम है जबकि हर मलकियत अल्लाह की तरफ लौट जाएगी और खुदा के सिवा कोई मालिक नहीं रहेगा। यौम तमले को नफसुल नफ्स ला तमले को नफसुल नफ्स छाया, कोई शख्स किसी जान के लिए ना अपने लिए ना किसी गैर के लिए किसी चीज का अदना से भी मालिक रहेगा। वल अमरु यौम इज़िल्लाह कुल्लियतन हुकूमत और मिल्कियत खुदा की तरफ लौट जाएगी। तो मालिक यौम दीन का एक और अहम तरीन माना है आखिरत का वो दिन जबकि वो आर्जी मिल्कियतें जो रहमान खुदा ने अता की होंगी खुदा को वापस लौटा दी जाएंगे, फिर वो फैसले फरमाएगा और हर चीज़ अपने असल की तरफ वापस चली जाएगी। आगाज से लेकर अंजाम तक की सारी कहानी, तमाम इर्तका खा वो मादी था खा वो ज़िंदगी का था खा वो मज़हब का था, वो सारा इन आयात में बयान फरमा दिया गया और अव्वल से आखिर तक की सारी कहानी मुकम्मल हुई मालिक यौमुद्दीन पर। वो मालिक है यौमुद्दीन का, लफ्ज़ मालिक का है मतलब है मालिक आप समझते हैं, और मालिक किसी को जवाबदेह नहीं होता, मालिक जो चाहे फैसला करता है। लेकिन एक तसल्ली दिला दी कि जो मालिक है वो रहमान भी है और रहीम भी है, उसे डरने की कोई बात नहीं, जो भी फैसले करेगा हद से ज़्यादा रहम वाले होंगे और बार बार रहम का सलूक करेगा, कई तुम्हारी टूटी हुई तौबों को माफ़ फरमा देगा और फिर भी अगर किसी के खिलाफ सजा का फैसला हो तो सच्चा फैसला, फिर किसी के लिए कोई शिकवे का हक नहीं। बस मालिकियत उसको लौटी है जो सबसे ज़्यादा रहमान और सबसे ज़्यादा रहीम, उसको नहीं लौटी जो सख्त मिजाज है और भी सिफात हैं मगर उन सब सिफात को तर्क करके रहमानियत और रहीमियत की पनाह में दोबारा इंसान को दे दिया गया। जहाँ से आगाज़ हुआ था वही अंजाम हुआ और नेक आगाज़ था नेक अंजाम हुआ, ये तारुफ सूरह फातिहा कराती है। अलहम्दो सब तारीफ या तमाम तर तारीफ हर सच्ची और हकीकी तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, बेहद रहम करने वाला और बार बार रहम फरमाने वाला है और बिन मांगे देने वाला है। वो तमाम कायनात का खुदा है और मजहबी कायनात का भी खुदा है और आखिरत के दिन का मालिक है। दीन का एक मतलब है मजाहिब और रस्ते, तो मालिक यौम दीन का मतलब है कि जब दीन का दौर शुरू होगा उस वक्त भी मालिक खुदा ही होगा और दीन के ज़मानों में अगर किसी को हुक्म देने का हक है तो सिर्फ खुदा को है, अलम्रु यौम इज़िल्लाह से पता चलता है। तो जहाँ दीन की बातें करोगे किसी और की बात नहीं सुननी, सिर्फ अल्लाह की बात सुननी है क्योंकि वह दीन के ज़मानों का दीन के दौर का मालिक है। इसके बाद क्या बाकी रह जाता है सिवाय इसके? कुछ बाकी नहीं रहता कि इंसान उसके सामने सर झुका दे और ये इकरार करे कि ईया का ना बोलो। लफ्ज़ ईया का मतलब है तुझे तुझे और सिर्फ तुझे, तेरी और सिर्फ तेरी। अगर नाबुदों का तर्जमा किया जाए हम इबादत करते हैं तो ईया का मतलब होगा सिर्फ तेरी और सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, हम तेरे सिवा और किसी की इबादत नहीं करते। लेकिन नाबुदों में एक मुस्तकबिल के माने भी पाए जाते हैं, एक इरादे का इजहार भी पाया जाता है, हम करेंगे या करना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि ऐ खुदा जो इतनी अजमतों का मालिक आगाज़ और अंजाम सब का मालिक है, हमने फैसला तो कर लिया कि अब तेरी ही बात करेंगे क्योंकि खैर तेरे सिवा किसी और जगह है कोई नहीं, मगर करेंगे कैसे, क्या हमें ताकत है? तो इसका जवाब सूरह फातिहा से कहती है नहीं, ये दुआ करो इय्या का नस्तईन, मदद के बगैर हमें ये तौफीक नहीं मिल सकती, तेरी इबादत करते हैं तेरी करेंगे, सिर्फ तेरी करते हैं सिर्फ तेरी करेंगे, मगर तुझसे मदद मांगते हुए।
उसके बगैर हमें तौफीक नहीं मिल सकती। ईया का मतलब है फिर सिर्फ तेरी ही, सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं, और हम सब इबादत करने वाले मांगते हैं, यानी वो तमाम जो किसी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं वो इज्तमाही दुआ कर रहे हैं। दुआ क्या है, मदद क्या है? ईया का नस्तईन का ताल्लुक पहले से भी है और बाद से भी है। अगर इसको पहली आयत के हिस्से से जोड़ें, और उसी आयत का ये हिस्सा है, जुड़ना चाहिए उसके साथ, ईया का नाबुदो, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और दूसरा मतलब है मदद मांगते क्या हैं, इबादत किसको कहते हैं, उसकी क्या माने हैं। फरमाया इहदिनस्सिरातल्मुस्तकीम, ये दुआ करो, मदद ये मांगते हैं कि हमें इबादत के ज़रिए सच्चे रास्ते और दरमियानी रास्ते और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, क्योंकि इबादतें टेढ़े रास्तों पर भी होती हैं और इबादत के हज़ार तरीक दुनिया में राइज हैं। बाद लोग एक टांग पर खड़े होकर सारी रात वो शोर मचाते हैं, कहते हैं इबादत हो गई। तो अल्लाह ताला ने ये दुआ सिखा दी कि सिर्फ इबादत मेरी करना काफ़ी नहीं, मेरी वो इबादत करना ज़रूरी है जो उस रास्ते पर चलने वालों ने की जिनकी इबादत में कबूल कर चुका हूँ। तो फरमाया ईया का नाबुदो ईया का नस्तईन इहदिनस्सिरातल्मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हदायत दे। सिरातल्लज़ीना, इहदिना का मतलब है दे हमें हदायत। ना जहाँ जहाँ आता है कुरान करीम में, इसका एक माना हम है, और नस्तईन में जो पहला नून है वो भी हम के माने रखता है, और अना में जो ना है वो अपने ज़ात की तरफ इशारा करता है। तो नून के लफ्ज़ में कोई नफसी हवाला शामिल है अरबी मानों के लिहाज से। बस इहदिना का मतलब है हम सब को हदायत दे। हदायत एक अरबी लफ्ज़ है, आप सब जानते हैं उर्दू में भी राइज है, इसकी मुख्तलिफ सूरतें। हदा का मतलब हदायत दी, यहदी का मतलब है हदायत देता है, और जब इससे इल्तजा का लफ्ज़ बनाना हो या अमर का सीगा बनाना हो तो कहा जाता है एहदे, हदायत दे। तो एक जब मुखातब है तो एहदे कहेंगे, तो ए खुदा एहदे ना हमें हदायत दे। अस्सरात, फिर सरात आ गया, अलिफ लाम आ गया साथ, उस खास रास्ते की अल मुस्तकीम, जो बिल्कुल सीधा है, उसमें कोई कमी नहीं। सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, लेकिन इसके बाद फिर कौन सी शर्त बाकी रह गई थी जो वजाहत करनी पड़ी, वो मैं बता देता हूँ। सीधे रास्ते पर कुछ लोग पहले भी चले हैं और खुदा की तरफ से हदायत पाकर चल पड़े थे, मगर रास्ता छोड़ गए, बेवफाई की, कुछ रास्ते पर कायम रहते हुए रास्ते के मजमून बदलते रहे, कुछ रास्ता छोड़कर किसी और तरफ निकल गए। तो अल्लाह ताला कहता है दुआ कामिल करो, ये मुकम्मल दुआ है, जब तक मुकम्मल नहीं होती तुम्हें छोड़ना नहीं, तुम्हें सिखा के छोड़ना नहीं। इहदिनस्सिरातल्मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की, अस्सिरात वो सीधा रास्ता जो हकीकी और असली और कामिल सीधा रास्ता है, जो सीधा है हर पहलू से और बीच के रास्ता है, दरमियानी राह है और अपनी ज़ात में कायम है, उस रास्ते की हदायत दे, मगर उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम फरमाया। इनाम उन्हीं लोगों को मिलता है रास्ते पर चलने वालों को जो मंजिल को पाते हैं और सीधे रास्ते पर जान देते हैं। जो रास्ते को उखेड़ना शुरू कर दें, गड़े डाल दें या दाएं बाएं हट जाएं, वो इनाम वाले नहीं रहते। तो फरमाया उन लोगों का रास्ता अता फरमा जिन पर तूने इनाम फरमाया, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, उन लोगों का रास्ता नहीं जो मग़ज़ूब हो गए, वलद्दाल्लीन, ना गुमराह होने वालों का रास्ता। यहाँ तर्जमे में मैंने अमलन ये तर्जमा नहीं किया इरादतन कि जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ, आम तौर पर
ترجمے میں یہ ملتا ہے, یہ مفہوم ہے اس میں پایا جاتا ہے, مگر اس سے جو اصل عبارت ہے اس کا معنی کچھ معدود ہو جاتا ہے. غضب تک لفظ نہیں آیا. ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا, یہ سورہ فاتحہ میں نہیں لکھا ہوا, یہ لکھا ہوا ہے جو مغضوب ٹھہرائے گئے یا مغضوب بن گئے, جن پر غضب نازل کیے گئے. اور اس میں غضب کا جو مضمون ہے یہ وسیع ہو جاتا ہے. بعض لوگ اللہ کی طرف سے بھی لعنت کا نشانہ بنتے ہیں اور دنیا کی طرف سے بھی لعنت کا نشانہ بنتے ہیں. بعض قوموں کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان پر خدا کی بھی پھٹکار پڑی اور دنیا کی بھی پھٹکار پڑی, اور وہ دنیا کے والوں کے غضب کا بھی نشانہ بنائے گئے اور بنائے جائیں گے, اور وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ تیرے غضب کا نشانہ بنے تو یہ مضمون بیچ میں سے نکل جائے گا. اس لیے وہی رہنا چاہیے جہاں سورہ فاتحہ ٹھہرتی ہے, کہ وہ لوگ جو غضب کا نشانہ بنائے گئے. کس کی طرف سے یہ چھوڑ دیا ہے؟ کئی طرفوں سے بنائے گئے, ان کی رانی ہمیں چاہیے, نہ ان کی جو خود گمراہ ہو گئے اور رستہ ہی چھوڑ بیٹھے. کچھ لوگ رستے پر قائم رہے اور ایسی بد حالت میں قائم رہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے رستے کو نقصان پہنچا گئے. مثلا یہود ہیں, انہوں نے توحید کا دامن نہیں چھوڑا جو اصل ہدایت کا مقصد ہے, لیکن اور ایسے ظلم کیے اور ظلموں کا شکار ہوئے کہ لوگ ان کے غضب کا نشانہ بننے شروع ہو گئے. اسی رستے پر ٹھہرتے ہوئے اس کے غلط معنی کر کے انہوں نے لوگوں کو اپنا مغضوب بنا لیا. نتیجہ یہی نکلنا چاہیے تھا کہ وہ خود مغضوب ہو جاتے, اور اللہ کے بھی مغضوب ہوئے, اور جن بنی نو انسان پر اللہ کے نام پر غضب ڈھائے تھے اللہ نے ان کو اجازت دی اور توفیق دی کہ وہ بدلے لیں ان سے, اور یہ سلسلہ جاری ہو گیا. فرمایا ہمیں ان سے پناہ چاہتے ہیں, وہ رستہ نہیں چاہیے. رستہ دے تو وہ دے جس پر حضرت محمد رسول اللہ چلے, جس پر آپ سے پہلے دوسرے انبیاء چلے, انجام تک نیک انجام تک پہنچے, اپنے منزل مقصود کو پا گئے, اور ان بھٹکے ہوئے کا رستہ بھی نہیں جو عیسائی ہیں, بظاہر رستے پر ہیں لیکن خدا کا بیٹا بنا بیٹھے اور گمراہ ہوئے اور دنیا کو گمراہ کر دیا. یہ ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کچھ وضاحت کے ساتھ. صراط کا مطلب ہے رستہ, الذین کا مطلب ہے جو لوگ یا وہ لوگ. عام طور پر جن لوگوں, جو لوگ کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. صراط کو جب الذین کے ساتھ جوڑا گیا تو مطلب ہے صراط الذین, ان لوگوں کا رستہ. یہ لفظ جب کا ہے اردو میں, اس کا, اس کا, ہمارا, تمہارا, اس کو عربی میں مختلف طریق پر بیان کیا گیا ہے, اور قرآن کریم میں کثرت سے یہ ترکیب آتی ہے, اس لیے اس کو سمجھ لیجیے. اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ. شروع ہی سے یہ شروع ہوئی ہے رب العالمین. رب عالمین کون کس کا ہے؟ عالمین رب کے ہیں. تو جو پہلے لفظ ہو اس کا ہو جاتا ہے, اور جو بعد میں آئے وہ پہلے کا بن جاتا ہے. یہ ترکیب مسلسل اسی طرح قرآن کریم میں اور عربی میں رائج ہے, قرآن کریم میں بھی اسی طرح رائج ہے. مالک یوم, مالک کا مطلب ہے مالک, یوم کا مطلب ہے دن یا زمانہ. تو یوم بعد میں آیا, مالک پہلے آیا, اور ان دونوں کو اس طرح جوڑا گیا کہ یوم کا مالک خدا بن گیا. صراط الذین, ان لوگوں کا رستہ. رستہ اور الذین دو الگ الگ لفظ تھے. صراط الذین جب جوڑا گیا تو مطلب ہے ان لوگوں, راستہ ان لوگوں کا. انعمت علیہم, یہ تو غیر المغضوب علیہم, یہ بھی وہی ترکیب ہے لیکن ذرا مشکل, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کا, اس کا, میرا تیرا عربی میں جس طرح بیان کیا جاتا ہے گرامر میں, اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ. مضاف وہ ہے جو کسی کی طرف منسوب ہو, مضاف الیہ ہے جس کی طرف کوئی چیز منسوب ہو. اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے,
اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بن مانگے دینے والا ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم, یہ سورہ بقرہ کا آغاز ہے. بسم اللہ سے شروع ہو کر الف لام میم, یعنی دوسری آیت الف لام میم ہے, اس کے بعد پھر باقی مضمون شروع ہو جاتا ہے. البقرہ کی جو سورت ہے یہ سب سے پہلے ہے, لیکن ہے ہجرت کی, یعنی اس کا نزول مدینے میں ہوا ہے ہجرت کے بعد, لیکن ترتیب کے لحاظ سے ضروری تھا کہ اس کو پہلے رکھا جاتا. یہ تفسیری پہلو میں چھوڑتا ہوں, صرف اختصار سے صرف بتا رہا ہوں کہ یہ مدنی سورت ہے, ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. الف لام میم تین لفظ ہیں, حرف ہیں. الف جو حرف ہے یہ انگریزی میں اس کا ایک متبادل تو مشکل ہوگا کیونکہ کئی معنی بن جاتے ہیں. اے لفظ کسی حد تک الف کے مشابہ ہے, لیکن جب یہ شروع میں آئے اے تو یہ حمزہ کے مشابہ ہو جاتا ہے. بہرحال جو الفابیٹکس ہیں ان کے اندر الف لام اور میم, لام مثلا ایل کے مشابہ ہے, میم ایم کے مشابہ ہے, تو تین حروف ہیں. اب ان تین حروف سے سورہ بقرہ کا آغاز کیوں کیا گیا, یعنی بسم اللہ کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز کیوں کیا گیا, یہ بھی بحث چونکہ بار بار اٹھنی ہے اس لیے میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دینا چاہتا ہوں. کیا یہ حرف بے معنی ہیں, محض حروف ہیں, یا کوئی اور معنی رکھتے ہیں, اور کیا کیا معنی رکھتے ہیں, کیوں بات کو کھول کر بیان نہیں کر دیا گیا, کیوں صرف حروف میں بات کی گئی, اور آغاز ہی میں یہ مشکل کیوں پیش آ گئی, تو اس کے اوپر مختلف مفسرین نے مختلف روشنی ڈالی ہے. سب سے زیادہ عمدہ سیر حاصل اور پرلطف بحث تفسیر کبیر میں اٹھائی گئی ہے. حضرت مسلم باؤ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کے ہر پہلو پر خوب کھل کے روشنی ڈالی ہے. خلاصتاً اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے, میں ہوں اللہ زیادہ جاننے والا. اس ترجمے کی وضاحت یہ ہے کہ الف کو اللہ کا پہلا حرف شمار کر کے, لام کو الف کو انا کا پہلا حرف شمار کر کے, لام کو اللہ کا بیچ کا حرف شمار کر کے, اور میم کو عالموں کا آخری حرف شمار کر کے ایک جملہ بنا لیا گیا ہے, اور یہ خیال کیا گیا ہے کہ اس جملے کا یہ نمائندہ ہے. اور اس پہلو سے جملے کی کے حروف کی ترتیب اس کے ساتھ مطابقت کھا رہی ہے. پہلا حرف اس لفظ کا جو سمجھا گیا ہے اس کا پہلا ہونا چاہیے, بیچ کا حرف اس لفظ کا بیچ کا ہونا چاہیے جو ہم نے سمجھا, اور میم اس لفظ کا آخری ہونا چاہیے کیونکہ اب بھی آخر پہ ہے جو ہم نے سمجھا. تو اس لیے مفسرین کا یہ جہاں جہاں بھی جن سب جنہوں نے بھی بیان کیا ہے یہ بیان کرنا کہ اس کا مطلب ہے انا, اللہ, عالم, یہ ایک معقول بات ہے. اور اس لیے بھی علم کا مضمون اس سے تعلق رکھتا ہے, اور غالباً وہ اول معنی رکھتا ہے کہ بعد میں علم کی بات ہی ہو رہی ہے اور کامل علم کی بات ہو رہی ہے. بس یہ ترجمہ بھی اس کا ممکن ہے اور بھی ممکن ہے. بعض لوگوں نے الف سے اللہ مراد لیا, الف لام سے اللہ مراد لیا ہے اور میم سے محمد مراد لیا ہے. الف لام اللہ اور میم محمد, ان دو کے اتصال سے وہ نعمت وجود میں آئی جو جس کو ہم قرآن کی نعمت کہتے ہیں, اور نبوت بھی ملی اور کتاب بھی ملی. تو جتنے بھی ایسے معنی ہیں جو قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں, پرمعارف ہیں, جو قرآنی تعلیم سے ٹکراتے نہیں بلکہ انسان کے روحانی لطف کو بڑھانے والے ہیں, وہ تمام اجازت ہے کہ ان حرفوں میں کی طرف منسوب کر دیے جائیں. بس الف لام میم جو حروف
की सूरत में मज़मून बयान है, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि थोड़े लफ्ज़ों में ज़्यादा बात करने वाली किताब, और ये मज़मून कुरान पर आगे हर जगह हावी हो जाएगा। ऐसा कलाम है कि एक एक हर्फ में इसके मानी है, और इसका सिर्फ हरूफ से मुक़त्तआत से ताल्लुक नहीं, बल्कि कुरान करीम की दूसरी आयात पर भी जब आप गौर करें तो बहुत से हरूफ ऐसे हैं जिन पर नज़र पड़ती है और मालूम होता है कि ख़ास तौर पर इस महल पर रखे गए हैं और उससे ख़ास माने पैदा होते हैं। बाज़ सौती मुताबकतें हैं और बाज़ नगमाती मुताबकतें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हरूफ के इस्तेमाल और महल इतलाक़ से ताल्लुक है। बस अलिफ लाम मीम ने एक किस्म का चौंका दिया है पढ़ने वाले को, ऐसी किताब को पढ़ने लगे हो जिसके हरफ हरफ में जान है, हरफ हरफ में पैगाम है, इसलिए होश और गौर से पढ़ना। दूसरा इसमें यह मज़मून बयान हुआ है, और इसका ये मज़मून भी हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से साबित शुदा है कि हरूफ में बाद आदाद मुज़मिल हुआ करते हैं, और उन आदाद के हवाले से बाद तारीखी वाक़ियात की तरफ इशारा होता है। बस अलिफ लाम मीम और बाद में आने वाले ऐसे ही मुक़त्तआत, यानी उन सूरतों का आगाज़ जो हरूफ हरफों से शुरू होती हैं, उनका बाज़ ज़मानी कदरों से भी ताल्लुक़ है, ऐसी बातों से ताल्लुक़ है जो खसूस मखसूस ज़मानों में होने वाली हैं, और इस रंग में पेशगोई का रंग इन हरूफ में पाया जाता है। जब ये आयत नाजिल हुई तो चूंकि मदीने में नाजिल हुई थी, यहूद ये सुनकर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मंसूबा बना के हाजिर हुए, क्योंकि उनके यहाँ ये रिवाज था कि हरूफ के अददी माने लिए जाते थे और उन पर बड़ा ज़ोर दिया जाता था। आज भी मैंने बाइबल की ऐसी कॉमेंट्रीज देखी हैं जिनमें बताया गया है कि ये अदद हरूफ इन आदात के अलमबरदार हैं और आगे सारा मज़मून इनसे ताल्लुक़ रखता है, और इस पर यहूद उलमा खुसूसियत से बड़ा फ़ख्र करते हैं कि हमें इल्म आदात दिया गया है, और हमारी बाइबल में इस मज़मून को बड़ी उम्दगी के साथ निभाया गया है। कुरान करीम ने भी इनको इस्तेमाल किया और इसमें कुछ पेशगोइयाँ की। यहूद ने अपने मर्जी के माने इन लफ्ज़ों अरफों को पहनाने के लिए ये सोचा कि अलिफ का मतलब है एक, लाम का मतलब है अब्दुल कलिमन 30, और मीम का मतलब है 40, तो कुल 71 साल हुए। तो उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अच्छा वक्त फरम इतनी जल्दी ओहो खैर कोई बात नहीं, 71 साल की बात तो बाद में होगी, अभी कहते हैं आधा मिनट रह गया सिर्फ। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है आपकी दीन की उम्र सिर्फ 71 साल है। रसूल सल्लम ने और मुक़त्तआत पढ़ने शुरू किए कि मुझ पर यह भी नाजिल हुआ है, वो भी नाजिल हुआ है, वो भी नाजिल हुआ है, वो अदद बढ़ते गए, यहाँ तक यहूद ने कहा बात हमारे हाथ से बाहर निकल गई है। बस कुरान करीम के आदात दरअसल लामहदूद मानी रखती हैं, और अगले सबक में इंशाल्लाह मैं आपको सूरह बकरा के बाकी माने बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। खाता है लेकिन मोटा नहीं हो रहा, उसमें